दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट डबल डेकर पिज्जा। इसे हम ब्रेड से बनाएंगे। मैंने यहाँ 12 ब्रेड की स्लाइस ली है और 1 कप हमने मिक्स वेजिटेबल लिए है। आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, इसमें गाजर, मटर, मैंने यहाँ 1 प्याज लिया है बड़ा, 1 बड़ा टमाटर, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्ची और थोड़ी हमने इसमें पत्ता गोभी ली है। कटी हुई सब्जियों में हम थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ा नमक डाल के और मिक्स करके हम इन्हें साइड में रख लेंगे। सब्जियों को हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक दूसरी कटोरी ले लेंगे, उसमें यहाँ मैंने 2 छोटी चम्मच मेयोनेज लिया है, ये मेयोनेज डाल लेंगे। 1 चम्मच मक्खन और 2 चम्मच हम पिज्जा सॉस ले लेंगे। पिज्जा सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। पिज्जा सॉस हम थोड़ा और डाल लेते हैं, 1 छोटी चम्मच हमने और डाल लिया, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। 100 ग्राम हमने यहाँ चीज ले लिया है, इस चीज को हमने कद्दूकस कर लिया और हम ब्रेड की थोड़ी थोड़ी साइड हटा देंगे। इस तरह से ब्रेड की साइड हम हटा लेंगे। 6 ब्रेड को हम बीच में से गोल काट लेंगे, 6 को हम ऐसे ही रहने देंगे और 6 को हम बीच में से गोल काट देंगे इस तरह से। 6 को हम ऐसे ही रख लेंगे। सारी ब्रेड हमने काट ली है, 6 को हमने गोल काट लिया बीच में से और 6 की हमने सिर्फ किनारे काटे हैं। और ये हम किसी भी दूसरी डिश बनाने में, इन्हें हम ब्रेड क्रम्स बना के टिकिया वगैरह में काम में ले सकते हैं। तो आइए अब हम डबल डेकर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। कोई भी हम एक बड़ा पैन ले लेंगे या आप तवा भी ले सकते हैं, आप इन्हें माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास हो। मैं इन्हें पैन में बना रही हूँ। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा मक्खन डालेंगे और जो हमने बीच में से गोल काटी है उन ब्रेड्स को हम दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक थोड़ा सेक लेंगे। आंच हम मीडियम रखेंगे ताकि हमारे ब्रेड जले नहीं। सावधानी से हम इन्हें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हम पहले हमारे 6 रिंग्स को सेक लेंगे। अब हम एक ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड पे जो हमने मेयोनेज और पिज्जा सॉस का पेस्ट तैयार किया है, सबसे पहले हम वो लगाएंगे पूरी ब्रेड पे। गैस को हमने एकदम लो कर दिया है और उसके बाद हम उस पे ऊपर से ये सब्जियां डालेंगे। तवे में थोड़ा मक्खन डालेंगे और इसे हम रख देंगे। अब हम ये दूसरी जो हमने रिंग फ्राई की थी वो रिंग हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम चीज डालेंगे। और लो फ्लेम पे हम इसे 3 मिनट पकने देंगे ढक करके। 4 मिनट हो गई है, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा चीज मेल्ट हो गया है और नीचे से भी हमारी ब्रेड क्रिस्पी हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए ये बनके हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से सिक गया है और चीज भी हमारा मेल्ट हो गया है। एकदम चीजी हमारा डबल डेकर पिज्जा तैयार है। ये हमारा डबल डेकर ब्रेड पिज्जा बन करके तैयार हो गया है, बच्चों का फेवरेट। छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को बना करके खिलाइए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बच्चों का दिन अच्छा निकलेगा। बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।